क्या अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा की बारी है? क्या राम मंदिर निर्माण और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के जीर्णोद्धार के बाद अब मथुरा वृंदावन के श्री कृष्ण के मंदिर की जीर्णोद्धार की बारी है? ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि देश के सबसे बड़े सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ बुधवार को अमरोहा में 31 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने पहुंचे थे। यहां उन्होंने विपक्ष पर तो निशाना साधा ही, साथ ही साथ मथुरा के श्री कृष्ण मंदिर को लेकर भी बड़ी बात कह गए। हमने कहा था अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ कराएंगे। मोदी जी ने कार्य प्रारंभ करा दिया है ना, खुश हैं? अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं सभी लोग? और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना? और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा, वहां पर भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। हमने ब्रज तीर्थ विकास परिषद गठित करके वहां पर भी विकास कार्यों को एक नई गति देनी प्रारंभ कर दी है। मुख्यमंत्री योगी यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। वो लगातार अपने कामों को गिनाने के साथ साथ विपक्ष को भी आड़े हाथों लेने का मौका नहीं छोड़ते। इस मौके पर अपने संबोधन में सीएम योगी ने विपक्षी पार्टियों, खासकर समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना भी साधा। सीएम योगी ने बिना नाम लिए सपा पर हमला करते हुए इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर पड़ी रेड पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकारें गरीबों को पैसा छुपा कर रखती थी, लेकिन हम उन्हें बाहर निकाल कर गरीबों के कल्याण में लगा रहे हैं। 2017 के पहले विकास का पैसा कहां जाता था यह आपने देखा होगा। अभी 3 दिन पहले दीवालों को तोड़ करके निकलने वाली नोट की गड्डियां और वहां से निकलने वाले सोने की सिल्लियां पिछली सरकारों के काम नहीं, पिछली सरकारों ने के काले कारनामे को उजागर करता है कि गरीब का पैसा ये लोग कैसे छुपा करके रखते थे। और वही पैसा आज जब हम लोग निकाल निकाल करके बाहर ला रहे हैं, यही पैसा विकास को एक और नई गति दे करके उत्तर प्रदेश को नंबर एक का प्रदेश बनाने का कार्य करेगा। यूपी में चुनाव अगले साल है, जिसको जीतने के लिए मुख्यमंत्री योगी ने पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम योगी हर दिन कोई ना कोई योजना का शिलान्यास या लोकार्पण कर रहे हैं। वहीं काशी और अयोध्या के बाद अब मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण मंदिर का जिक्र प्रदेश की राजनीति को और गर्मा सकता है। आईएनएस रिपोर्ट।